हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम रिसेंट सिनेरियो देखेंगे गाला गेम्स का। गाला गेम्स में काफी ज्यादा अपडेट्स आई थी, यानी Q1 2023 इसके लिए एक्शन पैक्ड रहा था, यानी काफी ज्यादा मेजर अपडेट आई थी। लेकिन स्टिल अभी काफी लोगों के माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि ये प्रोजेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो थोड़ा सा हम पिछले टाइम से स्टार्ट करेंगे जहां से इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग शुरू की थी, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द रोड मैप। एंड उसके बाद अभी क्या क्या इन्होंने अचीव कर लिया है उसको देखेंगे। प्राइस प्रिडिक्शन वाले पार्ट को हम नहीं करेंगे, मैं आपको बस फिजिबिलिटी बता दूंगा। एंड जब आप रोड मैप देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा, दैट विल बी अ टिपिकल टास्क टू डू, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। एंड मैं आपको बस फिजिबिलिटी बता दूंगा कि इसके लिए क्या फिजिबल रहेगा। स्टार्ट करते वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन यू आर मिसिंग अलॉट। आपको अगर इन्फो बेस्ड शॉर्ट एंड क्रिस्प कंटेंट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे इस तरह का कंटेंट आपको मिल जाएगा। सो गाला गेम्स अभी ट्रेंड कर रहा है $0.02434 पे, एंड वेरी करा यानी 313134 के बीच में। एंड इसके बारे में जब सबसे पहले मैंने रिव्यू किया था तो उस टाइम पे आप वीडियो को देख सकते हो, इट इज अवेलेबल इन द फंडामेंटल एनालिसिस प्लेलिस्ट। मेजर कंसर्न वॉज द टोकनॉमिक्स, और इसकी वजह से ही ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा डाउन गया था, बिकॉज देर वॉज अ लॉट ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ सप्लाई, जिससे मतलब क्या हो रहा था, जो इसके नोड्स हैं, एक तो पहले ये समझ लो कि इसके जो सप्लाई का न्यू एडिशन का जो तरीका है वो सिर्फ नोड से ही हो सकता है, नोड के रिवॉर्ड के तौर पे। उसमें एक हालविंग शेड्यूल भी है, बट फिर भी इतनी ज्यादा सप्लाई सर्कुलेशन में आ रही थी कि इसकी वजह से इसका प्राइस बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो रहा था। एंड हमने देखा एक कंटिन्यूस डाउनफॉल, ये काफी ज्यादा डाउन जाता जा रहा था प्रोजेक्ट का प्राइस अगर देखा जाए तो। लेकिन इस चीज को बाद में रिस्ट्रक्चर किया गया और उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए। अभी तक उसमें से कितना ग्राउंड पे दिख रहे हैं वो भी हम देखेंगे, और क्या उन्होंने मतलब आगे के लिए प्लान किया है, अगर वो पूरा इंप्लीमेंट हो जाएगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देन वील मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट। सो कहाँ पे बाई कर सकते हैं, कैसे बाई कर सकते हैं, आई डोंट थिंक आई नीड टू डू कवर दैट थिंग, आपको ऑलरेडी पता है। आपको इस सेक्शन में देख लेना, आप मार्केट सेक्शन में आपको दिख जाएगा, एंड इट इज अवेलेबल ऑन ऑल द मेजर एक्सचेंजेस। आपको ऐसी कोई टेंशन नहीं होने वाली बाई करने के लिए, इफ इन केस यू वॉन्ट टू कंसिडर टू बाई इट। सो गाला गेम्स में जो पुराना सिनेरियो था उसके बाद जो रिस्ट्रक्चरिंग स्टार्ट होने के बाद सबसे पहली चीज उन्होंने रिलीज की, दैट वाज द पहले तो इनका सबसे ज्यादा डेवलपमेंट डिस्कॉर्ड पे होता था, ठीक है, और इन्होंने टेलीग्राम कम्युनिटी को वहां पे बंद कर दिया था। और उसके बाद काफी ज्यादा स्कैम एक्टिविटीज देखने को मिली थी प्रोजेक्ट के अराउंड। अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे कुछ महीने पहले ही इन्होंने दोबारा से अपना टेलीग्राम कम्युनिटी को स्टार्ट किया है, और वो इसलिए क्योंकि अगर ये वहां पर अपनी प्रेजेंस नहीं रखेंगे तो बहुत ज्यादा जो स्कैमर्स हैं वो आपको पता ही है स्कैम ग्रुप बना के किस तरीके से स्कैम करते हैं, तो वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली देखा जाए तो प्रोजेक्ट के जो नए होल्डर होते हैं, न्यूबीज होते हैं जिनको समझ नहीं आता थोड़ा बहुत, जल्दी मतलब फंस जाते हैं चीजों में, तो वो इसका शिकार हो जाते हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग अगर इन्होंने अपनी दोबारा से टेलीग्राम कम्युनिटी को रिज्यूम कर लिया। पहले हम देखते हैं इसका व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर में जो उन्होंने विजन दिया है अपना 2023 के लिए एंड वे अहेड आगे फर्दर क्या करेंगे, सो उसमें मेनली उन्होंने कवर किया है गाला का गेम्स है उसके लिए, गाला गेम्स, गाला म्यूजिक, गाला फिल्म्स, वॉक्स वर्स उसको भी कवर किया है। ब्लॉकचेन अननेम्ड मतलब इसका GYRI करके इन्होंने प्रोजेक्ट रखा था। पहले बोले थे गाला चेन नहीं था, नाम रखा गया था GYRI, लेकिन अभी उसको अननेम्ड रखा है। मे बी दे कैन नेम इट समथिंग एल्स ऑल्सो, बट गाला चेन साउंड्स वे बेटर देन एनी अदर नेम। नोड के बारे में एंड गाला के प्लेटफॉर्म के बारे में, एंड लास्ट जो सेक्शन है टोकोनोमिक्स अपडेट एंड रोड मैप, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर आपको एक्चुअली में इस प्रोजेक्ट की फर्दर परफॉर्मेंस को जज करना है तो। सो गेम्स में अगर देखा जाए, अब देखो व्हाइट पेपर बहुत डिटेल है, तो मैं गेम्स, म्यूजिक एंड फिल्म वॉक्स में मैं लाइट नोट पे देख लिया है कितना इंटीग्रेशन हुआ है। इवन लाइक म्यूजिक में जैसे स्नूप डॉग का है, उसके कुछ इंटरव्यूज की डिटेल भी है, उसने पहले क्या मतलब फील किया है दूसरे जो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स उसके रिगार्डिंग, देन उसने अपना म्यूजिक कहाँ कहाँ पर अवेलेबल करा है, एंड सो ऑन। इट्स अ बिग बिग थिंग। गेम्स में भी आ रहा है, म्यूजिक में भी आ रहा है, फिल्म में भी आ रहा है, वॉक्स में भी आ रहा है। हाल फिलहाल में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं है, मोस्ट डेवलपमेंट अगर आप देखोगे इनिशियली तो वो गेम्स में ही है, ठीक है, तो हम गेम्स पे ही ज्यादा फोकस करेंगे। सो वो हम अपडेट में देख लेंगे, एंड हम डायरेक्ट जा रहे हैं टोकनोमिक्स वाले सेक्शन पे, टोकनोमिक्स में उन्होंने क्या अपडेट किया है, ठीक है। टोकनोमिक्स में उन्होंने पहले बताया कि गाला एक ERC-20 टोकन है, जो इसकी मैक्सिमम सप्लाई कितनी रखी है उन्होंने 50 बिलियन, और ये जो रिलीज होगी वो रिलीज होती है सिर्फ नोट्स के जरिए, लेकिन उसमें भी एक हाल्विंग शेड्यूल है। हालविंग शेड्यूल पहले तो बताया उन्होंने ये वर्क कैसे करता है, और हालविंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग मतलब कितने टाइम में कितना वो मतलब सप्लाई घटती जाती है, मतलब हालविंग शेड्यूल में जो इमिशन है वो हाफ होता चला जाता है।
एक टाइम के बाद अगर जैसे अगर इसको विजन किया जाए लाइक 25 साल के बाद, तो इतना कम इमिशन होगा कि वो ना के बराबर ही होगा अगर 25 साल का विजन देखा जाए। पर एक प्रोजेक्ट, क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इतने लंबे टाइम के लिए मुझे नहीं लगता कोई सोचता है। सो बाद में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बर्न टू बाय। ये बर्न टू बाय सिस्टम क्या है, इसमें उन्होंने कुछ स्टेप्स में एक चीज इंट्रोड्यूस की है, जैसे कुछ एनएफटीज हैं, कुछ इन गेम रिवॉर्ड हैं जिनको इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर कोई यूजर बर्न टू बाय सेक्शन में जाके उस पर्टिकुलर एनएफटी और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाई करता है, तो एक्चुअली वो इंटरेक्ट करेगा डायरेक्टली इथेरियम का जो मेन बर्न एड्रेस है उसके साथ, और वो सप्लाई भेज देगा उसमें जो भी अमाउंट होगा। एंड उसके बाद जो गाला का इंडेक्सर होगा वो डेटा पिक करेगा और वो असेट जो भी उसने परचेज किया होगा उसको रिलीज कर देगा। दैट विल बी द वे टू बर्न, जो गाला के जो टोकन है उसको बर्न करने का एक तरीका है। ठीक है, अब ये कितना सक्सेसफुल रहेगा नहीं रहेगा इसके अराउंड इन्होंने बोला कि अभी तक क्लैरिटी नहीं है। ऑल्सो इन्होंने दूसरा जो इन गेम एक डेवलपमेंट किया है दैट इज जेम्स। अब जेम्स क्या है, जेम्स इनकी एक इन गेम करेंसी रहेगी। यानी पहले जैसे स्टार मतलब टाउन हाउस था उसका कुछ अलग था, किसी टोकन का अलग था जो इन गेम करेंसी थी, अब वो एक एक करके रिप्लेस करें। पहले तो उसको हटा दिया, गाला को ही रिप्लेस कर दिया उसमें और मर्ज कर लिया उसको गाला में ही। ये डिजाइन करने जेम्स एक पूरी इन गेम करेंसी को जो आप बाई कर सकते हो गाला से भी, आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से बाई कर सकते हो, और उसको आप जो भी असेट परचेज करोगे उसमें आप यूटिलाइज करोगे। इनिशियली अगर आपको जेम परचेज करने गाला से तो आपको गाला बर्न करना पड़ेगा एंड यू कैन हैव द जेम, लेकिन दैट विल बी लिमिटेड फॉर द टाइम बीइंग जो भी इनका प्रमोशन चलेगा उसके लिए। लेकिन इसके बाद जो गाला होगा उसका क्या यूटिलिटी होगी, जो गाला की चेन है उसका मेन असेट यानी जो गैस फीस के तौर पे गाला काम करेगा और ये उसका मेन असेट बन जाएगा यानी उस ब्लॉकचेन के लिए। अब ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग क्या अपडेट है, ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग ये है कि सबसे पहले इन्होंने इसको डेवलप करना शुरू किया, इन्होंने अनाउंस कर दिया था इसको लगभग 1 साल पहले फरवरी 2022 में इसके रिगार्डिंग एक डिटेल पोस्ट डाली थी इन्होंने, वहां से इसमें डेवलपमेंट शुरू कर दिया था ब्लॉकचेन में। इन्होंने बोला था विल ट्राई इट आउट, बैटल टेस्ट करेंगे, पूरा बग्स वगैरह निकालेंगे, उसके बाद जब सब कुछ सही रहेगा देन हम एक एक करके गेम्स को ऑनबोर्ड करेंगे। एक गेम है जिसको उस पर गाला की चेन पर लाइव किया गया एंड वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, उसके बाद फर्दर गेम्स को भी उसमें इंटीग्रेट करना है। एंड अल्टीमेट विजन इनका ये है कि जितने भी गेम्स हैं गाला गेम्स में वो सारे गाला चेन पे ही आ जाएंगे। गाला चेन में अभी नाम ले रहा हूँ, उसका नाम कुछ और भी हो सकता है, उन्होंने अननेम्ड रखा है। ठीक है, सो आप समझ जाना इसकी खुद की जो ब्लॉकचेन है उसको मैं रेफर कर रहा हूँ। सो ये इनका प्लान है, क्या पहले तो जेम्स जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे गाला बर्न होगा, ठीक है, तो इससे नोड एमिशन को ये कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने फिर ये बोला कि जब इसका भी एग्जैक्ट हम एस्टिमेट नहीं कर सकते, 500 मिलियन गाला हर क्वार्टर ये बर्न करेंगे, क्वार्टरली बर्न का इन्होंने बोल दिया है 2023 में। ये यहाँ पे आपको इस लाइन में देखने को मिल जाएगा, सॉरी मैं इसमें एक्चुअली कर्सर नहीं ले जा सकता, तो आप यहाँ पे देख लेना द इंटेंशन इन 2023 इज टू प्रोवाइड मोर, इसमें आपको सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन में दिख जाएगा। नेक्स्ट थिंग जो बर्न किया भी है, मतलब सॉरी पहले उन्होंने बताया दैट इमिशन शेड्यूल के बारे में, जैसे 21 जुलाई 2019 से लेके 21 जुलाई 2020 के बीच में कितना बर्न हुआ, और उसके बाद फिर 21 जुलाई 2020 से 21 जुलाई 2021 के बीच में कितना बर्न हुआ, एंड सो ऑन। ये आप देखोगे जैसे हाफ 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 होता चला गया। सो 21 जुलाई मतलब ऑलमोस्ट आप 22 तारीख से ही वो मतलब हाफ हो जाता है रिवॉर्ड। सो 22 तारीख से इसका क्या होता है ना, रिवॉर्ड हाफ हो जाता है। तो अब अगली बार आपके जो रिवॉर्ड यानी जो अब इस बार हो रहा है यानी जो मतलब जो जुलाई के बाद कितना हो जाएगा, सो ये इमिशन घट के रह जाएगा 3.124 बिलियन गाला पर ईयर इमिशन रह जाएगा, यानी लास्ट जो ईयर में था उसका हाफ। सो हालविंग काफी नजदीक है इसकी, और इसकी वजह से इसमें एक अच्छा खासा ऑप्टिमिज्म आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि अब तो ज़्यादा टाइम रहा नहीं है, हार्डली 15 to 16 days। सो इसमें इस ड्यूरेशन में एक शॉर्ट टर्म हाइप बन सकते हैं, बट आई एम नॉट क्लेमिंग इट, जस्ट स्पेकुलेटिव, यू कैन डू योर ओन रिसर्च एज वेल। नेक्स्ट थिंग, पहले इनका था टाइम बेस्ड, इसके रिगार्डिंग इनको काफ़ी कन्फ्यूजन था कि टाइम बेस्ड रखा जाए, सप्लाई बेस्ड रखा जाए, या फिर किस तरीके से मतलब हालविंग रखी जाए। इसके रिगार्डिंग उन्होंने अपडेट भी दी है, एंड जो प्ले टू प्ले बाई बर्न सॉरी पे बाई बर्न जो मतलब इनका जो फीचर है उसके रिगार्डिंग कैसे वर्क करेगा वो भी उन्होंने डिटेल में बोला है कि जब भी कोई पे बाई बर्न से कोई भी इंटरेक्शन करेगा इट मीन्स वो एक्चुअली सप्लाई भेज रहा होगा इथीरियम का जो मेन बर्न एड्रेस है उसमें, डेड एड्रेस में, एंड उसके बाद किस तरीके से जो आइटम है वो अनलॉक हो जाएगा, एंड दैट विल कंट्रीब्यूट टू जिसे क्या होगा गाला की सप्लाई बंद होगी, प्राइस में स्कार्सिटी क्रिएट होगी।
नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया बर्न एंड मिंट वाले फंक्शंस को. हाउएवर इतना ज्यादा इसमें डीप नहीं दिया है, सो वी आर नॉट गोइंग टू दैट डिटेल. इससे ज्यादा इंपैक्ट पड़ भी नहीं रहा. नेक्स्ट थिंग आता है इनका रोड मैप. अब रोड मैप में आप देखोगे ये क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर का दिया है. क्वार्टर टू तक हो चुका है, इसमें मोस्ट ऑफ चीजें इन्होंने वैसे लाइव कर भी दी जो चीजें इन्होंने मेंशन की हैं. अब क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर में देखो तो इतनी जेनेरिक टर्म दी है, आई एम नॉट एबल टू एस्टिमेट लाइक क्या मेनली मतलब इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे. बट ओवरऑल इनका जो क्या विजन है उसको मैं आपको इसी रोड मैप के बाद आपको एक विजन दिखाता हूँ उनका, कि विजन ये किस डायरेक्शन में जा रहा है. सो क्वार्टर थ्री में क्या करने वाले हैं, फर्दर गेम रिलीज, बग बाउंटी प्रोग्राम जो आ गया है इनका ऑलरेडी, और इसके रिगार्डिंग उन्होंने डिटेल पोस्ट भी डाल दी ऑलरेडी. इसके बाद है द वॉकिंग डेड एम्पायर्स का बीटा लाइव करेंगे, एंड देन फिर गाला फ्रेंड्स वर्किंग टाइटल उसको लाइव करेंगे, प्लेटफॉर्म या स्लैश चेंज करके उसको लिखा है. देन फर्दर गेम रिलीज अगर क्वार्टर फोर में, एंड जी वाई आर आई डेवलपर इंटरफेस एंड एस टी के. ये जी वाई आर आई आप कन्फ्यूज मत होना, या आप गाला चेन बोल दो या जी वाई आर आई प्रोजेक्ट बोल दो, अभी अननेम्ड है, बाद में इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं. तो ये उसी अपनी ब्लॉक चेन के रिगार्डिंग बोल रहे हैं. देन पी टू पी मार्केट प्लेस एंड सेल्फ सर्विस पब्लिशिंग. तो इसमें इतना कुछ ज्यादा डिटेल्ड नहीं है, सो दैट आई कैन एस्टिमेट लाइक आगे कितने लेवल पे इसमें प्राइस में इंपैक्ट दिखेगा. हालांकि जो ये हालविंग आने वाली है इसकी वजह से आपको शॉर्ट टर्म में एक इंपैक्ट इसमें ऑप्टिमिज्म तो दिख सकता है. अब मैं आपको थोड़ा सा इसका लॉन्ग टर्म विजन बता रहा हूँ. इनका लॉन्ग टर्म विजन है नॉट इवन मोबाइल मार्केट, सॉरी नॉट इवन द पीसी गेमिंग मार्केट, बट मोबाइल गेमिंग की मार्केट को भी इनको अच्छी तरीके से टैप करना है, और इसलिए इन्होंने खुद की चेन भी डिजाइन की है. चेन में सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, जो स्पाइडर टैंक्स करके गेम है उसको उस पर टेस्ट आउट किया था, एंड दैट वेंट वेरी वेल एक्चुअली. इसके बाद फर्दर जो गेम्स हैं उनको भी ऑनबोर्ड करेंगे. अब ये मोबाइल गेमिंग की जो मार्केट में इनको आगे बढ़ना है, तो उन्होंने उसी विजन में एक काम किया था, दैट इज इस साल जनवरी में इन्होंने गाला गेम्स ने एक्वायर किया था एम्बर एंटरटेनमेंट को. उसके बाद 10 से 12 कुछ हाई एंड वाले गेम्स हैं ऑलरेडी, जिसमें दो काफ़ी ज़्यादा बेटर स्टेब्लिश्ड हैं जो वेब टू बेस्ड हैं. अभी इनको वेब थ्री में ये ऑनबोर्ड करेंगे, ऐसा इनका मतलब विजन है आगे. लेकिन एम्बर एंटरटेनमेंट को बाई करना ही इनकी सीरियसनेस दिखाता है कि कितने स्ट्रॉन्ग वे में इनका कन्विक्शन अपने प्रोजेक्ट को आगे ले जाने का. सो ये बेसिकली मास लेवल पे अडॉप्शन अपना चाह रहे हैं जो भी इनके गेम्स हैं उसके लिए. नेक्स्ट थिंग, थोड़े थोड़े इन्होंने बीच में अपडेट दिए हैं, जैसे कि जो सुपीरियर इनका गेम है उसके रिगार्डिंग एक अपडेट दे दी थी, एंड स्पाइडर टैंक्स अरेना के रिगार्डिंग कुछ उन्होंने नया पैच लाइव कर दिया था, पैच 1.3.1. सो इनमें इतना ज़्यादा डिटेल नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू दैट सीयर डिटेल, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. मेन चीज़ बात है और क्या क्या इन्होंने किया. दूसरा, इन्होंने गाला के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को अपग्रेड किया. उसके अराउंड इन्होंने क्या किया, पहले तो इसके जो अपग्रेड था वो अनाउंस किया, उसका मेजर जो भी एक्सचेंज थे उन्होंने सपोर्ट किया. लगभग 54 एक्सचेंज थे, यानी 54 हिंदी बोल के सॉरी 54 एक्सचेंज ने क्या किया, इसको सपोर्ट किया. इन्होंने एक लिस्ट भी जारी कर दी थी जब इन्होंने हिंट दी थी कि गाला कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड इज इनकमिंग, उसी में आपको एक लिस्ट मिल जाएगी. बाइनेंस है, बाइनेंस यूएस है, बिंगएक्स, bit.com, बिटबैंक एंड सो ऑन, देयर इज अ बिग लिस्ट. अब मैं हर एक्सचेंज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इन एक्सचेंज ने इसको सपोर्ट किया था, यानी इन एक्सचेंज पर किसी का भी गाला कॉइन था टोकन तो उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एक्सचेंज ने अपना काम सारा कर दिया था और उन्होंने अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड कर दिया था. अगर आज की डेट में आप इन एक्सचेंज से बाई करते हो तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यू आर बाइंग ऑन द न्यू कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. ओके, सो जब इन्होंने इसके अराउंड अनाउंसमेंट की तो इन्होंने डिटेल में बताया कि किस तरीके से वर्जन 2 को मतलब लाइव करने वाले, एंड उसमें एक उन्होंने ब्लॉक साइज दिया, यानी इथेरियम का ब्लॉक नंबर कौन सा था, 1726760. जब ये ब्लॉक नंबर हिट किया उसी टाइम पे, उसी टाइम से इंप्लीमेंट हो गया न्यू कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, और जो पुराने होल्डर्स थे उनको 1:1 में, यानी जितने आपके पास पहले गाला टोकन थे उतने ही आपको नए गाला टोकन मिल गए थे. नए जो गाला का जो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने की जरूरत इसलिए इन्हें इसलिए पड़ी क्योंकि उन्होंने टोकन मैक्स में रिविजन्स किए हैं, जो सर्टेन मेजर्स उसमें लिए हैं. इवन जैसे पहले था टाइम टाइम बेस्ड इनका जो हालविंग का था, फिर उसमें भी उन्होंने चेंजेस किए, फिर उसके बाद जो उन्होंने पे बाय बर्न को भी उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड काफ़ी फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत महसूस हुई इसीलिए इन्होंने इसको चेंज किया है. इसके रिगार्डिंग उन्होंने ऑडिट भी कंप्लीट किया है, सर्टिक ने एंड एंड चेन ने इसका ऑडिट कंप्लीट किया है, उसकी डिटेल भी अवेलेबल है, उन्होंने एक ब्लॉग भी पब्लिश किया. इफ यू वॉन्ट टू चेक इट आउट यू कैन चेक आउट. अब आते हैं हम बग बाउंटी प्रोग्राम पे. इन्होंने बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, जस्ट शॉर्ट में कवर करेंगे. तो बग बाउंटी प्रोग्राम इन्होंने $1 मिलियन का लॉन्च किया है,
क्योंकि ये अपने इकोसिस्टम को आगे तक मतलब और अच्छा ग्रो करना चाह रहे हैं, तो उसमें इतना फंड इन्होंने एलोकेट कर दिया है। नॉट ओनली दैट, इन्होंने प्लेज भी किया है, यानी ऐसा प्रॉमिस किया है कि ये आगे चल के इतने टोकन बर्न करेंगे। कितने टोकन बर्न करने का इन्होंने डिसाइड किया है? सो दे आर गोइंग टू बर्न बिलियंस ऑफ बिलियन गाला टोकन ऑन मतलब टाइम बेस मतलब टाइमली बर्न करेंगे, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 500,000 सॉरी 500 मिलियन ये क्वार्टरली बर्न करने का उन्होंने हाल फिलहाल में डिसाइड किया है, एंड सो ऑन। सो उन्होंने जेम्स क्वार्टर वन बर्न, जेम्स क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर, इस तरीके से 500 मिलियन की यहाँ पे उन्होंने क्या किए, चार ट्रांजेक्शन्स भी शो कर दी। इफ यू वॉन्ट टू चेक इट आउट द डिटेल्स, एक्सप्लोरर आप जाके चेक कर सकते हो एंड वेरीफाई कर सकते हो। और इन्होंने एक एडिशनल अमाउंट ऑफ 3.9 बिलियन गाला टोकन्स बर्न किए, उसको भी यहाँ पे इन्होंने मैंशन कर दिया, एंड दे विल कंटिन्यू टू डू द बर्न। सो इनका गोल क्या है? विद दिस गोल इन माइंड वी हैव इनिशिएटेड अ बर्न ऑफ ए फर्दर 15 बिलियन गाला एंड एंड सो ऑन। ये मतलब आगे चल के काफ़ी ज़्यादा बर्न करते रहेंगे टाइमली। सो इसके रिगार्डिंग भी अपडेट देते रहेंगे जब भी ये बर्न करेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए, मैं आपको सम अप कर दे रहा हूँ पूरी वीडियो। इन्होंने मेजर जो प्रॉब्लम थी उसको आइडेंटिफाई किया, दैट वॉज द टोकनोमिक्स, एंड उसमें फिर रिस्ट्रक्चरिंग शुरू की। बर्न के इम्प्लीमेंटेशंस लेके आए, बर्न इम्प्लीमेंटेशंस इन द सेंस, पहले काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड टोकन्स थे काफ़ी सारे, उनको उन्होंने मर्ज किया। अब एक जेम्स जो लॉन्च कर देंगे, और जेम्स बाई करने का तरीका होगा, यू हैव टू बर्न गाला टोकन्स, दैट विल क्रिएट द प्राइस स्कार्सिटी। सो फॉर टाइम बीइंग जो इमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो जाएगा, यानी इमिशन तो होगा ही, साथ में उतना ही बर्न होने लगेगा, उतना नहीं इवन लाइक नियर नियर टू दैट ऑल्सो, दैट विल बी बेनिफिशियल। सो वो भी देखने को मिला है, एंड इनके जो लॉन्ग टर्म सीरियसनेस है अपने प्रोजेक्ट को लेके, वो दिखती है जब जब इन्होंने एम्बर एंटरटेनमेंट को बाई किया। अब उसको कितने अमाउंट में बाई किया उसको प्राइस डिस्क्लोज नहीं किया है, सो दैट्स द अनडिस्क्लोज अमाउंट जिस पे उन्होंने बाई किया है। आगे फर्दर क्या ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। शॉर्ट टर्म में जो जुलाई के महीने में, मिड जुलाई में जो हालविंग की वजह से, इसमें एक ऑप्टिमिज्म रहेगा। सेकेंड थिंग, ओवरऑल अगर देखा जाए तो पहले इसने $5 बिलियन की मार्केट कैप अचीव की थी। अगर ये लाइक क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर में मुझे ज़्यादा कुछ सीरियस सेगमेंट नहीं दिखा है, बट फिर भी आई बिलीव कि गाला गेम्स दोबारा से 5 बिलियन की मतलब जो मार्केट के मतलब अचीव कर सकता है अगले बुल रन में, इतना इसके लिए फिजिबल रहेगा। बिकॉज जिस तरीके से डेवलप कर रहा है, जिस तरीके से बड़े बड़े लेवल पे इस पे, इवन लाइक स्नूप डॉग है, और बहुत सारे बड़े बड़े सिंगर्स जो ऑन बोर्ड हुए हैं, इसके जो म्यूजिक वाला जैसे मतलब एक पूरा होल सेगमेंट है उसमें, इवन लाइक मेटावर्स भी है, एंड देन गेम्स के अलावा फिल्म्स में भी एंटर कर रहा है, और हर चीज में ये गाला की ही यूटिलिटी डेवलप करेगा। सो अगर ऐसा हो जाए कि गाला की ब्लॉकचेन बहुत जल्दी आ जाए और सारे प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी उस पर लाइव हो जाए, लाइक विद इन अ क्वार्टर और विद इन 2 क्वार्टर, तो ये इवन 5 बिलियन तो छोड़ो, 10 बिलियन भी इसके लिए फिजिबल रहेगा, क्योंकि वहां से ट्रू गेम चेंजर सिनेरियो इसका दिखेगा। काफी ज्यादा लिमिटेशंस है इसके लिए भी, बीइंग अ टोकन ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन, बिकॉज आपको पता ही है जितने भी गेमिंग फील्ड हैं जो इथेरियम के ब्लॉकचेन पे, ऑलमोस्ट सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड दे ऑल लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सेकेंडरी ऑप्शंस, और यही इनको भी लगा, इसीलिए उन्होंने गाला चेन का डिसाइड किया, गाला चेन का जो सिनेरियो उसको एनविजन किया। अगर ये उसको जल्दी से इंप्लीमेंट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाउ एवर, डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, किस टाइम पे क्या लेके आएंगे, दैट इज सब्जेक्ट टू द टीम इटसेल्फ, मतलब उनके ऊपर डिपेंड करेगा कब क्या लेके आएंगे। रोड मैप पर ज़्यादा कुछ क्लैरिटी है नहीं है, क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर कराउंड स्पेसिफिकली एफ एल से। सो लेट्स वेट एंड वॉच। मैंने आपको एक एस्टिमेशन दे दिया है कि इसके लिए मतलब फिजिबल रहेगा $5 बिलियन के मार्केट कैप दोबारा से अचीव करना विद दी चेंजेस जो रिसेंटली हुए, लेकिन अगर चेंज आ जाती तो इवन इट कैन गो बियॉन्ड ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।